ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले रिव्यू करते हैं कल का वीडियो। अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज 5 मिनट में निफ्टी इंडेक्स का चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,158 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,052। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ, रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ आया ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 15,031 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 15,009 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ, और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। फिर से एक बार जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो इसने दोनों टारगेट अचीव किए, और यहाँ से ही एग्जैक्ट जो हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल था इसी के पास इसने 3 बार आज सपोर्ट टेस्ट किया, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अभी कल यानी 11 फरवरी को क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पहले डेली चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी के। आज एक दोजी जैसा कैंडल यहाँ पर बना हुआ है। दोजी जैसा यानी जहाँ पर ओपन होता है उसी के पास आकर क्लोज होता है। निफ्टी ने आज एक करेक्शन दिखाया था, लेकिन जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के आसपास आके ये क्लोज हुआ है। तो इनडिसिजिव पैटर्न है, लेकिन दोजी जो बना है यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लो क्रिएट हुए, जो हमने कोर्स में देखा है जो कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है। तो अगर यहाँ से करेक्शन और गहराता हुआ नज़र आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स कहाँ होंगे, इसके लिए अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ करें तो 23.6% का लेवल 14,865 के पास आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में ये जो ट्रेंड लाइन के पास ये एक सपोर्ट टेस्ट करे, जहाँ पर 23.6 का लेवल भी आ सकता है। तो अगर इस लेवल और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो और यहाँ से करेक्शन गहराता हुआ नज़र आ सकता है। अदरवाइज निफ्टी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, लाइफ टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो जो भी नया हाई बनेगा तो वहाँ पर अगर 15 या आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये डेली चार्ट का सीनरी है। चलते 60 मिनट के चार्ट में। ये आर्ली चार्ट है यानी 60 मिनट का चार्ट। ब्रेकआउट लेवल तो हमारा सेम होगा, जो हमारा कल के लिए ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,158, ये हमारा सेम रहेगा कल के लिए भी। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कल के लिए 15,181 हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 15,202 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ चला जाता है तो आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल जो है वो 15,029 के आसपास बन रहा है। यहाँ पर ही गैप अप ओपन हुआ था तो इसका इनिशियल लेवल भी इसी के पास आ रहा है, जहाँ पर आज हमने देखा सपोर्ट टेस्ट किया है। तो 15,029 हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे अगर चला जाता है, सस्टेन करता है 15 या आर्ली चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 15,009 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,985 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए लेवल्स कल के लिए। बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सेकेंड टारगेट अचीव हुआ, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है आज। तो बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए, तो डेली चार्ट को सबसे पहले देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ है, उस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है।
अगर आप यहाँ पर ये जो लेवल है लो और इसका हाई, इस रेंज में हाई और लो के रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही कोई भी ट्रिगर होता है लेवल, तो हमें आने वाले ट्रेंड का कंफर्मेशन यहाँ पर मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें, जैसे हमने निफ्टी के लिए ड्रॉ किया था ये लो और ये हाई पकड़ के, तो 34,980 के पास हमें सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 34,980 ब्रेक होता है, तो और यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो थोड़ा वोलेटाइल मार्केट भी हो सकता है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आर्ली चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। बैंक निफ्टी इंडेक्स, अगर ये जो आज का लो है आप देख सकते हैं, गैप अप क्रिया ओपन हुआ था 3 दिनों पहले, तो इसका यहाँ पर जो इनिशियल लेवल है 35,423, इसको अगर ब्रेक करता है, यानी आज का लो, इसके नीचे अगर चला जाता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,330, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,216, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी चला जाता है, तो आज का जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है, हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल यानी 36,000, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो ही इंट्राडे के लिए हम कल बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 36,115, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 36,229, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के कल के लिए इंट्राडे लेवल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर हम इंट्राडे लेवल, इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में शेयर करते हैं, तो आप वो एब्सोल्युटली फ्री ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।